इतना महाराष्ट्र में बुलाते हो मेरे को कि अब मुझे मराठी समझ में आती है। तो मेरे साथ एक आवाज और बुलंद आवाज ना, आप सबके दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, जीजा माता की, अहिल्या बाई होलकर की। गर्मी चढ़ गई, कहोगे कि इतनी गर्मी ऊपर से दीदी आप गर्मी में नारे लगवा के और गर्मी दे। तो हमारे भाई ने हमारा इतना सुंदर परिचय दिया। सर्वप्रथम तो आप सभी नगर वासियों का दोनों हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतना भव्य शोभा यात्रा आज निकाला। पूरा गांव एक होकर, नाती जाति के भेदभाव भूलकर राम भक्त सब आज सड़कों पर उतरे और भव्य शोभा यात्रा निकाली। इसलिए खुद के लिए जोरदार तालियां बजाओ। और ये आयोजन करता जो हमारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के भाई है, हमारी दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की बहने हैं, इनको दोनों हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपके कारण आज हम सब एकत्रित हुए एक जगह पर। तो जोरदार तालियां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लिए। और ये बड़ा भव्य कार्यक्रम करने के लिए बिना लक्ष्मी जी के कुछ संभव नहीं है। तो कोई तन से समर्पित, कोई मन से समर्पित, कोई धन से समर्पित, और उन सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां बजाइए जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजन करने के लिए हमारी मदद करी। और श्रोता के रूप में इस नगर के जो निर्माता यहाँ उपस्थित हैं, रात के बजे हैं 9, हमारी बहनों का अनुपमा तो नहीं छूट रहा, फिर भी आप सब इतनी रात को यहाँ उपस्थित हैं, तो कौन कहता है कि हिंदू सोया हुआ है? यहाँ पे आके देखो, ये जागा हुआ है। और हमारा जब हमारे भाई परिचय दे रहे थे तो हमने ये कहा कि जो हमने गीता जी से सीखा है, गीता जी का 13वां अध्याय कहता है कि मनुष्य को मैं में से बाहर निकलना चाहिए। आज जब हम भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे थे तो कोई यदि ये सोचता है कि किसी एक व्यक्ति के वजह से राम मंदिर बना है, तो लाखों संतों महंतों ने बलिदान दिया है, लाखों कार सेवकों ने संघर्ष किया है, हजारों कार सेवकों ने बलिदान दिया है, और नगरवासी अयोध्या के निरंतर युद्ध लड़ते रहे, पूरे भारत के हिंदू युद्ध लड़ते रहे, और 500 वर्षों की तपस्या के बाद हिंदू समाज का संघर्ष रहा कि आज भव्य राम मंदिर भी बन चुका और हमारे राम लल्ला की धूमधाम से हमने पुनः स्थापना की। ये बहुत बड़ी बात है। 74 बार युद्ध हुए राम मंदिर को लेके, ज्यादातर युद्ध हिंदू समाज हारा, पर हिंदू समाज ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। हिंदू समाज सदैव संघर्ष करता रहा, और ये संघर्ष का परिणाम है कि राम के नाम पर आज पूरा भारत एक हो गया है, जाति के भेदभाव भुलाकर राममय हो गया है। सबने मिलकर संघर्ष किया कि राम नाम का गौरव जीता, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन गौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदू अधार हमारी, भगवा और अयोध्या जीता, काशी का गंगा जल जीता, चोटी जीती वंदन जीता और भाल का चंदन जीता, जीत गई घनघोर तपस्या, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की, और क्या जीते अब की बारी। देखो आपके यहाँ आई हूँ, काम लेके जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा अगली पंक्ति। और क्या जीते अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी।
और क्या जीते अपनी बारी, काशी मथुरा की तैयारी और आतंकी बाबर पर भारी एक अकेला भगवा धारी। बोले सियावर रामचंद्र की। तो हमने कहा गीता जी का 13वां अध्याय मैं से बाहर निकलो हम सबके है, तो अब इस धरा पर खड़ी होकर आपका परिचय मैं दे रही हूँ। भले हमारे भाई ने हमारा परिचय दिया पर मैं कुछ हूं ही नहीं, जो आप है वही मैं हूँ, जो आपकी शक्ति है वही मुझ में है। हम सब ऊर्जा का एक स्रोत है, हम शक्ति पुंज है, हम वो केंद्र है शक्ति का, हम वो बिंदु है शक्ति का कि जहां से शक्ति शुरू होती है। तो अब मैं परिचय आप सबका दे रही हूँ। जब जब मेरे शब्दों में मैं आएगा तो आप समझिएगा कि मैं आप सबकी बात कर रही हूँ, विश्व के प्रत्येक सनातनियों की बात कर रही हूँ, भारत के प्रत्येक हिंदुओं की बात कर रही हूँ कि कौन हूं मैं। फिर से कह रही हूँ आपका परिचय आपके शहर में आकर हम दे रहे हैं कि कौन हूं मैं। प्रणाम, मैं हिंदू हूं। प्रणाम, मैं हिंदू हूं। रुद्राक्ष की माला मैं भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला मैं भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरोध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और सुकून भी मैं हूँ, अच्छू कहती मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि गंगा का पानी, चिता की अग्नि गंगा का पानी, सप्त ऋषियों का ब्रह्म ज्ञानी भी मैं हूँ, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ, भोला हूँ, सरल हूँ, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, भूल भी दूं तुमको और भूल भी जाऊं तुम में कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का भाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति न थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की। क्या समझे इस स्तुति से? आपका शौर्य बताया मैंने, आपकी वीरता बताई मैंने, हम सबने मिलकर राम मंदिर का भव्य उत्सव मनाया। उसके बाद ये पहली राम जन्म उत्सव ऐसा था कि हर साल हम रामनवमी को मनाते थे पर इस बार विशेष क्या था, इस बार विशेष ये था कि हर बार जब रामनवमी मनाते थे तो मन में दुख होता था कि जिस राम भगवान के जन्म का हम उत्सव मना रहे हैं हम तो एसी और पंखे में बैठे हैं लेकिन हमारे राम लल्ला तो टेंट में थे। ये पहला ऐसा राम जन्म उत्सव गया कि जिसमें हमारे राम लल्ला भव्य मंदिर में विराजित थे। कौन है राम? राम मंदिर से ही तो राम राज्य शुरू होगा। राम राज्य की परिकल्पना क्या है? राम तो सबके हैं, सब में राम है, तो कौन है राम? इन पंक्तियों से आपको राम जी का पुरुषार्थ इतना महान था, मर्यादा पुरुषोत्तम के विषय में जब ज्ञानी वाल्मीकि जी कहते हैं तो उनके समक्ष हम तो कुछ भी नहीं है, पर इस पंक्ति से आपके समक्ष रखती हूँ कि कौन है राम। तो हम कहते हैं राम तो धर्म है, और धर्म क्या है? धर्म वही है जो राम ने सिखाया है कि राम जो है चेतना का बिंद बिंद जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज जो कि इस समस्त सृष्टि की सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। अनाम जो है पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धर्म धैर्य का है, शौर्य का, अनंत अंत क्रोध का, प्रचंड युद्ध का, निलय प्रलय विराम है, विराम है अहम का, है शौर्य इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत प्रतिबोध का, अनंत शक्ति श्रोत का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है, वो एक नाम, वो एक नाम, एक नाम सियावर रामचंद्र की। पर राम राज्य बनेगा कैसे?
राम राज्य की कल्पना क्या हो सकती है, हम तो राम राज्य की बात कर रहे हैं, हम तो राम राज्य के सपने देख रहे हैं, मगर हमारा जो अब्दुल जिहादी भाई है वो तो गजवाए हिंद का सपना देख रहा है और वो तो गजवाए हिंद पर काम कर रहा है। क्या है गजवाए हिंद मेरी बहनों? गजवाए हिंद का मतलब है भारत को इस्लामिक देश बनाना। एजेंडा इनका क्लियर है, उस पर ही ये जिहादी आतंकवादी तालिबानी मानसिकता के तत्व काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ नारे लगा रहे हैं। हमारे पास आने वाले 50 वर्ष की प्लानिंग नहीं है, उसके पास आने वाले 500 वर्ष की प्लानिंग है। कैसे होगा राम राज्य? यहां पर ना बेटियां सुरक्षित है, ना हमारी जमीनें सुरक्षित है, ना गौ माता सुरक्षित है। राम राज्य की कल्पना क्या है? राम राज्य की कल्पना यही है कि जहां महिला सम्मान और सुरक्षा हो, जहां बहन बेटियां सुरक्षित हो, जहां बहन बेटियों के साथ लव जिहाद ना हो, जहां हमारे मंदिरों पे कब्जे ना हो, जहां आपको आपके घर के बाहर ताला लगाने की जरूरत ना पड़े, जहां सब सबके लिए खड़े हो, जहां कोई नाती जाति का भेदभाव ना हो, जहां सब समान हो, जहां सबको बोलने का अधिकार हो, जहां संपूर्ण लोकतंत्र हो, वही तो राम राज्य है। पर क्या है क्या ये? बनाएंगे कैसे? करेगा कौन? हम सबको मिलकर करना होगा। मैं अकेली क्या ही कर लूंगी? अकेले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल क्या ही कर लेंगे? हम कह रहे हैं ना कि राम मंदिर तो बना दिया, अपने अंदर के राम को जगाना है, अंदर का राम जो कहेगा वो काम करना है। लेकिन होता क्या है? यहां पर खुलेआम बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अभी क्या हुआ? मेरी बहनों आपसे प्रश्न करती हूँ, कितनों को पता है अभी पश्चिम बंगाल के संदेश खली में क्या हुआ? हाथ ऊंचे करके बताओ, कितनों को पता है? यहाँ पे जो हमारी बहनें बैठी हैं, किसी को पता ही नहीं है कि बंगाल के संदेश खली में क्या हुआ। भाइयों आपको पूछ लेती हूँ, कितनों को पता है बंगाल के संदेश खली में क्या हुआ? बस पता ही नहीं है। तो आपको हमारे कार्यकर्ता है, आपको तो पता ही होगा। जो नगरवासी यहां उपस्थित है उनसे पूछती हूँ, पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे नांदेड़ में नहीं हुआ तो फिर हमें क्या फर्क पड़ता है कहां पर क्या हो रहा है? आग पड़ोस में लगी है तो आग हमारे घर में पहुंचेगी, आज नहीं तो कल पहुंचेगी, वो भी रहा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपके महाराष्ट्र में हो रहा है। मैं बताती हूं बंगाल के, पश्चिम बंगाल के संदेश खली में क्या हुआ। ये अभी की घटना है। वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है टीएमसी, जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उसी पार्टी का नेता जिसका नाम है शाहजहां शेख, उसने उस गांव में नियम बनाया। क्या नियम बनाया? सुनना ध्यान से मेरे भाइयों, और ये सुनने के बाद भी यदि खून ना खोले तो मुझे लगता है कि तो हिंदू को जहर खा के मर ही जाना चाहिए, क्योंकि ये सोता हुआ हिंदू समाज जिसको पता नहीं है कि बहन बेटियों के साथ उसके ही अपने देश में क्या हो रहा है। हम ईरान इराक सीरिया की बात नहीं कर रहे, हम भारत के ही बंगाल की बात कर रहे हैं कि वहां पे पश्चिम बंगाल में नियम क्या बनाया कि जिस हिंदू महिला का विवाह होगा तो विवाह के बाद वो हिंदू महिला अपने ससुराल नहीं जाती, विवाह के तुरंत बाद उसी दिन उसकी विदाई होते ही उस महिला को वहां के जिहादी मुस्लिम गुंडे उठा के ले जाते हैं। उस महिला को वो अपने यहां एक दिन भी रख सकते हैं, 10 दिन भी रख सकते हैं, 2 महीने बाद भी उसको छोड़ सकते हैं, 6 महीने बाद शायद उसको पति के घर जाने दें, 10 महीना भी लग सकता है, 12 महीना भी लग सकता है, जब तक उस जिहादी का मन नहीं भरेगा वो उस विवाहित हिंदू महिला को नहीं छोड़ेगा। वहां पर हर रोज रात को संदेश खली गांव में 250 से 300 जिहादी लड़के रोज हमारी हिंदू महिलाओं को उनके घर से उठा के ले जाते थे और पूरी पूरी रात उनका शरीर नोचते थे। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये सीबीआई बोल रही है, ये कलकत्ता की हाईकोर्ट बोल रही है, ये वहां की महिलाएं बोल रही है। पता चला काजल दीदी आके भड़का के गई तो चलो काजल दीदी पर हेट स्पीच का केस लगाओ। सच बोलना क्या भड़काना होता है? बताओ मेरे भाइयों बहनों, आप जोर से जवाब दो, सच बोलना क्या भड़काना होता है? ये कहते हैं काजल भड़काती है, हम कहते हैं भड़काते नहीं, हम हिंदुओं को जगाते हैं।
बनता है कि वहां की महिला इतने वर्षों से सहन क्यों कर रही थी और वहां का पुरुष समाज इतने वर्षों से सहन क्यों कर रहा था कि उनकी आंखों के सामने वहां पे शाजा शेख और उसके जिहादी गुंडे हमारी बहन बेटियों को रोज उठा के ले जाते थे, विवाहित महिलाओं से रोज बलात्कार करते थे। वहां की महिला शक्ति ने वर्षों तक सहन किया और अंत में अभी कुछ दिन पहले वहां की महिला शक्ति एक हुई, प्रतिकार किया, विरोध किया और आज शाहजहां शेख जेल की सलाखों के पीछे है। वहां की नारी शक्ति भूल चुकी थी कि उसमें शक्ति है, वो अबला बन के अपनी दुर्दशा रोज देख रही थी। जब अति का अंत हुआ तब वो सारी शक्तियां दुर्गा स्वरूपा बनी और शाहजहां शेख जैसे जिहादियों को सलाखों के पीछे भेजा। प्रश्न ये है कि अब तक किस बात का इंतजार किया? जब पहली गंदी नजर उस शाहजहां शेख की आंख पर पड़ी तो नारी शक्ति ने उसी समय उसकी वो आंखें क्यों नहीं खोल दी? दूसरा सवाल कि प्रतिकार किया, सड़कों पर उतरी, आंदोलन किया और सबने मिलकर शाहजहां शेख और उसके गुंडों को जेल में भेजा, पर जेल में क्यों भेजा, सीधा जहन्नुम में क्यों नहीं भेजा? ये दूसरा प्रश्न। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपनी रक्षा खुद करो, मैं कब तक आऊंगा? वो कहते हैं मैं दुर्बलों की रक्षा नहीं करूंगा, खुद के लिए तो खुद ही लड़ना पड़ेगा। और कैसे लड़ेंगे? कृष्ण भगवान कहते हैं दुर्योधन है, दुशासन है। मेरी बहनों ये पंक्तियां आपको समर्पित कर रही हूं क्योंकि यहां बैठी एक एक बहन में मुझे दुर्गा स्वरूपा दिखाई देती है कि दुर्योधन है, दुशासन है, दुर्योधन है, दुशासन है, पत्थर पर रोज पड़े कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े, कलियों की कोमल मूरत को कर देंगे तल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे चार चार चार, रणचंडी का तुम रूप था, रणचंडी का तुम रूप था, मैं दुश्मन का तुम कर रहा, खनखन चूड़ी के मध्यम थे, तलवारों के अद्भुत था और पानी तक ना मान सके जो तुझ पर आप उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, श्री कृष्ण कहां तक आएंगे? आपके आत्मरक्षा की चिंता आपको करनी है। आपकी आबरू, आपकी इज्जत मेरी माताओं बहनों आपको बचानी है। क्यों आपने कभी सोचा कि महादेव तो इतने शक्तिशाली थे, महादेव चाहते तो खुद महिषासुर का नाश कर सकते थे, रक्त बीज को खत्म कर सकते थे, उन्होंने माता पार्वती को ये जिम्मेदारी क्यों दी? शिव पुराण में संवाद होता है महादेव और पार्वती माता के बीच में, पार्वती माता बोलती पूछती है महादेव को और साथ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी थे, तो तीनों को पूछते हैं कि आप तीनों तो सर्वशक्तिशाली, आप तीनों चाहते तो रक्त बीज और महिषासुर को मार सकते थे, आपने तो मुझे शक्तियां दी और मुझे कहा कि तुम जाके उसका वध करो, क्या कारण था? तो महादेव कहते हैं, बहुत सुंदर महादेव ने जवाब दिया, महादेव ने कहा कि महिषासुर जो है वो किस पर, किसको टॉर्चर करता था, किस पर एट्रोसिटी करता था? तो उन्होंने जवाब दिया महिलाओं पे। क्यों? क्योंकि वो महिलाओं को कमजोर समझता था, उस महिषासुर की सारी मर्दानगी महिलाओं पर ही निकलती थी, वो महिलाओं पर अत्याचार करकर खुद को बाहुबली समझता था, इसलिए तुमको चुना कि आने वाला भविष्य में ये उदाहरण प्रस्थापित हो कि महिला कतई पुरुषों से कम नहीं है और जब जब समाज में कोई महिषासुर किसी महिला की इज्जत पर हाथ डालेगा तो महिला समाज ही खड़ा होकर ऐसे महिषासुरों का नाश करेगा। ये महादेव ने कहा था मेरी बहनों, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो डर रहे हैं। क्यों हिंदू इतना डर रहा है? कैसे आप अपने अंदर के डर को हटाओगे? कब तक डर डर के जियोगे? अपनी आंखों के सामने अपनी बहन बेटियों के साथ लवजिहाद होते हुए कब तक देखोगे? क्या करना चाहिए? देखिए तीन स्तर पर काम हो रहा है, भारत को गजवाए हिंद करना है, मतलब भारत को इस्लामिक देश बनाना है 2047 से पहले, और ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो इस्लामिक संगठन जिसको पिछले वर्ष भारत सरकार ने बैन किया, उसका घोषणा पत्र पब्लिक में आया। क्या लिखा था घोषणा पत्र में? घोषणा पत्र में यह लिखा था कि 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाना है, इसलिए आप लड़कों तैयार हो जाओ, लव जिहाद करो, भूमि अतिक्रमण करो जिसको कुछ लोग लैंड जिहाद भी कहते हैं, और तीसरा धर्मांतरण करो। क्या है भारत? गजवाए हिंद की बात करें, भारत क्या है? कोई जमीन का टुकड़ा थोड़ी है। मां है मेरी, इनकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग है, आने वाले 50 वर्ष में क्या करना है, आने वाले 100 वर्ष में क्या करना है। कोई जमीन का टुकड़ा थोड़ी है कि आप इनको काट काट के दे दोगे। 1947 की बोलो गलती फिर से आपको दोहरानी है मेरे भैया, जोर से बोलो 1947 की गलती दोहरानी है। आपने 10,38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह पाकिस्तान के रूप में इनको दे दी, इनको मिल गया पाकिस्तान, और आगे जाके मिला बांग्लादेश, दो इस्लामिक देश इनको मिले, आपको क्या मिला? सेक्युलरिज्म के नाम का झुंझुना बजा रहे हो आप, भाई भाई का खेल खेल रहे हो आप। वो आपका भाई कसाई बन के बैठा और आपको काट रहा है। 9 राज्यों में और 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। भारत में रेलवे के बाद और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जगह वक्फ बोर्ड के पास है। ना हमारी बेटियां सुरक्षित है, ना हमारी जमीनें सुरक्षित है, ना हमारे मंदिर सुरक्षित है, ना हमारी गौ माता सुरक्षित है, ना इस देश में हिंदू सुरक्षित है। क्या करोगे? आपके पास कहने के लिए यही एक देश है। अभी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हिंदू भाग भाग के यहाँ पे आ रहा है। हमारी सरकार कह रही है कि हम उनको यहाँ की नागरिकता देंगे। वो तो इधर आ गए, उनको शरण मिल गई, उनको नागरिकता मिल गई, पर आपने सोचा है कि आप कहाँ जाओगे? यही तो आपका है। हिंदू अपनी जगह खाली कर करके जा रहा है, जगह छोड़ छोड़ के जा रहा है, बंगाल से भाग रहा है, केरला से भाग रहा है, असम से भाग रहा है, ओडिशा से भाग रहा है, वो भाग रहा है उत्तर प्रदेश से, वो भाग रहा है अलग अलग विभिन्न छोटे छोटे विस्तार जहां पर पाकिस्तानी पॉकेट बन गए, वहां से हिंदू हिजरत कर रहा है, भाग रहा है। कब तक भागोगे? कहां तक भागोगे? कितना भागोगे? एक रेखा तो तैयार करो। कब तक करना है? कब तक डरोगे? कब तक डर डर के जियोगे? प्रतिकार करना कब सीखोगे? कि हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिकार करूंगा, हिंदू हूं और हिंदुत्व की ही बात करूंगा। ये आप में कब बात जागेगी? कब बोलना सीखोगे? आपकी जमीनों पर आज हम इस जगह बैठे हैं, पास में हमारा मंदिर दिख रहा है। इस मंदिर पर आकर यदि वक्फ बोर्ड अपना झंडा गाड़ दे तो ये मंदिर उसी समय वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो जाता है। उसको साबित नहीं करना है, इस मंदिर के ट्रस्ट को, यहाँ के लोगों को साबित करना होगा कि ये मंदिर हमारा है। ये कानून ऐसा बनाया है, मिलकर आवाज उठानी होगी, चिल्लाना होगा, अपना हक छीन कर लेना होगा। बिना रोए तो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। आपको लगता है कि आपके चिल्लाए बिना, बोले बिना, आंदोलन किए बिना आपको आपका हिंदू राष्ट्र मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो नाजायज हक मांग रहा है। इस देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी है। उत्तराखंड जो कि हमारी देवभूमि है, देवभूमि में रेलवे की जगह अवैध रूप से हड़पते हैं। रेलवे का ऑर्डर आता है, कोर्ट का ऑर्डर आता है, सरकार का ऑर्डर आता है कि जगह खाली करो, तो जब जगह खाली करवाने जाते हैं तो वहां के SSP पर और वहां के DM पर वो अवैध घुसपैठी है, उनको पत्थर मारकर मार मार कर वहां से भगाते हैं। सोचो वो दूसरे देश से आकर हमारे देश में रहता है, अवैध कब्जा करता है, नाजायज हक पत्थर के दम पर छीन कर लेता है, और आप अपना जायज हक भी नहीं मांगते, तो क्या करोगे? लुटा दोगे सब कुछ? वो तो कह रहा है लड़के लिए आप पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। कैसे लेंगे हंस के हिंदुस्तान? अभी क्या हुआ, तेलंगाना में एक 5 सितारा होटल है, 5 स्टार होटल, वक्फ बोर्ड ने उस पर दावा ठोका, ये होटल मेरी याद से। वो बेचारा रोते रोते कोर्ट तक पहुंचा, हाई कोर्ट ने फिर वक्फ बोर्ड को भड़का के निकाला है, डांटा है कि तुम किसी भी जमीन को अपनी जमीन बोल रहे हो, तुमको कायदा बना के दे दिया, इसका मतलब तुम इस
देश में क्या शरिया चलाओगे, क्या इस देश में इस्लामिक कानून चलेगा। उसने फिर अभी तमिलनाडु में एक गांव है त्रिची करके, उस गांव में हमारा मंदिर है चंद्रस्वामी मंदिर। वो चंद्रस्वामी मंदिर 1500 साल पुराना है। वक्त बोर्ड ने उस गांव पे पूरे गांव पे दावा ठोका कि ये पूरा गांव मेरी प्रॉपर्टी है। उसके बाद उसने आसपास के 16 गांव पे दावा ठोका कि ये 16 के 16 गांव मेरे हैं और ये जो चंद्रस्वामी मंदिर है वो भी वक्त की प्रॉपर्टी है। हमने कहा तुम आए 1400 साल पहले हो, हमारा ये मंदिर 1500-1600 साल पुराना है, बताओ ये तुम्हारी प्रॉपर्टी कैसे हो गई। हिंदू एक एक करके अपनी जमीन होता जा रहा है। आप बिल्कुल शॉक मत होना जिस दिन ये वक्त बोर्ड वाले आपके घर में घुसेंगे और कहेंगे कि निकलो इस घर से, ये घर हमारा है, और आपके पैरों के नीचे से जमीन निकलेगी कि अरे ये घर तो हमारे दादा ने हमें दिया था, ये खेत तो हमारे दादा ने हमें दिया था। और ये मैं नहीं बोल रही, भारत सरकार भी बोल रहा है वक्फ बोर्ड को कि कितना अवैध कब्जा करोगे, कितनी जमीनें हड़पोगे। क्या है भारत? जो आप है वो भारत है, जो ये जमीनें हैं वो भारत है, हमारे मंदिर भारत है, हमारा परिवेश भारत है, हमारी संस्कृति भारत है, हमारे त्योहार भारत है, हमारे भगवान भारत है, हमारी गौ माता भारत है। और यही भारत नहीं रहेगा तो अटल जी बहुत अच्छा कहकर गए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो देश के लिए, हम मरेंगे तो देश के लिए, और मरने के बाद गंगा में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान से लगा के सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, बोलो भारत माता की। इस माँ की रक्षा कौन करेगा, हमें तो मिलकर करनी है। तो ये मैंने आपको बताया इनका षड्यंत्र नंबर वन गजवाए इनका भूमि अतिक्रमण। दूसरा लव जिहाद, यहां बैठे कितने लोगों को पता है कि लव जिहाद क्या होता है, हाथ ऊंचे करके बताओ। बहनों में से कितनों को पता है लव जिहाद क्या होता है? मेरी बहनों दिमाग में ये तो नहीं चल रहा ना हमारी सीरियल जा रही है 9:30 बज गए, आज तो कोई डांस का कॉम्पिटिशन आएगा, कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन आएगा, सैटरडे संडे को यही होता है, पता ही नहीं है लव जिहाद क्या होता है। आप समस्या ही नहीं पता तो समाधान कहां से ढूंढेंगे मेरी बहनों? आपको ये पता है कि कर्नाटक में अभी क्या हुआ? मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। सबसे पहले लव जिहाद क्या होता है वो शुरू से शुरू करती हूँ कि इनका एजेंडा बनाया गया है गजवाए इनका, इसलिए इनके लड़कों को यही महिषासुरों को तैयार कर रहे हैं इनके कुछ लोग आतंकवादी गतिविधि वाले। देखिए समझ लीजिए, लव जिहाद भूमि अतिक्रमण और धर्मांतरण तीनों का कनेक्शन आतंकवाद के साथ है। हिंदू की लड़की को फंसाओ, क्योंकि इस्लामिक देश बनाना है ना भारत को, तो हिंदू की लड़की को फंसाओ और फिर उसको इस्लाम स्वीकार करवाओ और फिर उसको मार दो, यही चल रहा है। लिटरली षड्यंत्र कर रहे हैं। लव जिहाद बॉलीवुड की फिल्मों के माध्यम से हो रहा है, हम टीवी सीरियल देख रहे हैं उसमें लव जिहाद हमारे दिमाग में डाला जा रहा है, वेब सीरीज के माध्यम से दिमाग में लव जिहाद डाला जा रहा है, और सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम आ गया और इंस्टाग्राम पर अब्दुल और आफ्ताब अजय बन के बैठे हैं फेक आईडी बना के, और हमारी भोली भाली 13-14 साल की बच्चियों को प्यार में फंसा कर उनको ट्रैप कर रहे हैं, उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप बोलोगे 13-14 साल की बच्चियां, जी हां, पिछले 3 वर्षों में हमारे पास 3,500 से अधिक केस केवल और केवल इंस्टाग्राम से लड़कियों को फंसाया उसके आए, ये हमारे पास डायरेक्ट आए। हिंदू संगठन के पास जितने गए वो तो एक अलग ही आंकड़ा है, लेकिन ये हमारा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। और उसमें सर्वाधिक जो केस थे उसमें 95% लड़कियों की एज जो थी वो 13 और 14 वर्ष की। मेरी बहनों यदि आपके घर में 13 और 14 वर्ष का बच्चा है तो ध्यान रखो,
वो बाहर अब्दुल्ला रास्ता बैठा है आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटने। 13 और 14 साल की लड़की के फोटो और वीडियो उसके पास है और वो ब्लैकमेल कर रहा है हमारी लड़की को। और हमारी लड़की के पास दो विकल्प रहते हैं, या तो वो आत्महत्या करती है या फिर उसको अब्दुल के साथ भागकर इस्लाम स्वीकार करना पड़ता है। अभी अभी पिछले 15 दिन में मैं हमारे पास जो केस आया उसमें 8 लड़कियां ऐसी थी जिसकी एज 16 वर्ष की और 17 वर्ष की थी। उन लड़कियों को वो लेके गया, छोटी छोटी बच्ची 12, 13, 14 साल का बच्चा होता है, बच्चे में दिमाग ही नहीं होता। आप उसको समझाओगे नहीं तो बच्चा समझेगा कैसे? गलती बच्चे की नहीं है, गलती हम माता पिता की है कि हम बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, हम बच्चों को बता नहीं रहे कि बाहर बैठे हैं अब्दुल और आफताब तेरी लाज लूटने के लिए। मेरा बेटा किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती कर उसको अपना फोटो मत दे देना। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। जागरूक कौन करेगा बच्चों को? स्कूल में कोई जागरूक नहीं करता, स्कूल में मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं, कोई कॉलेज का प्रोफेसर जागरूक नहीं करेगा। समाज को काम करना पड़ेगा क्योंकि ये समाज का काम है, आपको और हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक सीमित नहीं रहना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाओ भी हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि बेटी को तलवार थमाओ, बेटी को तलवार थमाओ। बेटी लड़ भी जाएगी और बेटी यदि बच पाएगी तो बेटी पढ़ भी जाएगी। बच रही है आपकी बेटियां, वो आफ्ताब श्रद्धा के 35 टुकड़े कर रहा है। कितनों को पता है श्रद्धा वाला केस? आपके महाराष्ट्र का केस है, कितनों को पता है? महाराष्ट्र में रह के यहां पे उपस्थित जितने लोग हैं उसमें 50% लोगों को भी नहीं पता कि क्या हुआ श्रद्धा के साथ। वही मुगल काल चल रहा है, उसकी नजर आपकी बहन बेटी पर पड़ी तो या तो वो उसकी या फिर वो किसी की भी नहीं। क्या हुआ था? श्रद्धा पढ़ी लिखी लड़की, उम्र उसकी 25 वर्ष, आफ्ताब के साथ दोस्ती हुई, आफ्ताब भी पढ़ा लिखा, पिता ने बहुत समझाया बेटी इस ये लड़का सही नहीं है। बेटी ने पिता को जवाब दिया श्रद्धा ने, मैं बालिग हो चुकी हूँ, भारत सरकार ने सर्टिफिकेट दे दिया है, अब मेरा जीवन है, मेरी मर्जी उसके साथ रहूंगी, आप कौन हो तो कहने वाले बोलकर वो श्रद्धा उस आफ्ताब के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने चली गई। इसे बॉलीवुड ने सिखाया लिविंग रिलेशनशिप, ये आपके और हमारा ये कल्चर नहीं है, हमारा धर्म नहीं सिखाता लिविंग रिलेशनशिप। 2 वर्ष के बाद श्रद्धा आफ्ताब को कहती है कि मेरे से निकाह कर, मेरे से शादी कर, मैं तेरे लिए इस्लाम स्वीकार करने को भी तैयार हूं। आफ्ताब को उस लड़की से जितना फायदा उठाना था उठा लिया, उससे उसका शरीर नोचा, इज्जत लूटी, पैसे लूटे, समाज में उसके परिवार की इज्जत खराब कर दी, उसको फंसाने के लिए बाहर से जो पैसा आया था वो पैसा भी मिल गया और दूसरी 3-4 हिंदू लड़कियों को और अलग वो फंसा रहा था। श्रद्धा ने बहुत प्रेशर दिया तो आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए और 18 दिन तक जंगल में जाके वो लड़की के 35 टुकड़े रोज जा जाके वो फेंक के आता था। बताओ लड़की हाँ बोल रही है तो भी लड़की को मारा क्योंकि उसकी नजर में वो काफिर की बेटी है। दूसरी जगह अभी का केस, हफ्ते 10 दिन पहले का, कर्नाटका में काउंसलर की बेटी, कांग्रेस में उसका पिता बड़ा नेता और उसके पीछे फयाज नाम का एक लड़का पड़ा। 2 साल से वो फयाज नाम का लड़का वो हिंदू लड़की नेहा के पीछे पड़ा था। नेहा ने लड़के को मना करा कि मेरा धर्म अलग है, तेरा मजहब अलग है, तुझसे मैं ना तो प्रेम कर सकती हूँ ना दोस्ती कर सकती हूँ। तो उस फयाज ने हफ्ते 10 दिन पहले लड़की के कॉलेज में घुसकर 18 बार चाकुओं से घोट कर लड़की को मार दिया। सोचो कांग्रेस पार्टी के नेता की, कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस की।
उसी के नेता की लड़की को मारा, या वही कांग्रेस है जो कहती थी कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता, आज वो बेटी का बाप बोल रहा है कि लव जिहाद हो रहा है, मेरी बेटी को मार दिया। मैं सरकार से कहता हूँ कि कानून बनाओ, किसी और हिंदू बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बोल रही है श्रद्धा, तो भी उसको मार दिया। नेहा ना बोल रही है तो भी उसको मार दिया। इसका मतलब वो काफिर की बेटी है, और काफिर की बेटी को मारोगे, काफिर मतलब क्या होता है, काफिर का मतलब है कि जो इनके मजहब को नहीं मानता, जो मूर्ति पूजक है वो काफिर है, और जहां काफिर मिले वहां उसको मार दो या उसका धर्म परिवर्तन करो, ये इनकी किताब में लिखा है। उसने जो लिखा है वो वही पढ़ रहा है और उस पे काम भी कर रहा है। तो ना बोले तो मारी जाए, ना बोले तो मारी जाए, और सोच रही काफिर की बेटी आखिर कहां बिचारी जाए, कहां जाएगी। आपके यहाँ का बल्लालपुर का केस आया है अभी थोड़े दिन पहले, विदर्भ का, एक 18 साल की बच्ची, बच्चा ही होता है 18 साल का, वो एक जिहादी से प्यार करने लगी। उसको ऐसा लगता था कि मेरा वाला अब्दुल अलग है, ये लव जिहाद कुछ नहीं होता, प्यार के बीच में कोई धर्म आना नहीं चाहिए। वो बच्ची को इतना परेशान किया, उसके फोटो वीडियो लेके उस लड़के ने वायरल करने की धमकी दी, उसका बलात्कार करता, उससे बहुत पैसे लूटे, उसको ब्लैकमेल करता, वो लड़के का पूरा परिवार हमारी हिंदू बच्ची को परेशान करता। एंड में परेशान होकर उस हिंदू लड़की ने सुसाइड करने का सोचा, आत्महत्या करने का। एक सेकेंड के लिए सोचना, वो लड़की की जगह हमारी अपनी लड़की भी हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र की घटना बता रही हूँ, आग बाजू में लगी है। मैंने कहा ना अपने घर तक आएगी, अभी नहीं जागे तो कभी जागोगे। वो लड़की वीडियो बनाई 8 मिनट का वीडियो बनाकर लड़की क्या बोल रही है कि जब तक ये वीडियो आग तक पहुंचेगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। जिस लड़के को मैंने प्यार किया था वो दूसरे मजहब का था, मुझे लगा कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। उसने, उसके परिवार ने, उसकी तीनों बहनों ने और उसके कजिन बहन ने मिलकर मुझे बहुत प्रताड़ित किया, और मैं अब इतनी परेशान हो गई हूं कि मैं अब फांसी खा के मर रही हूं। उस लड़की को अपने हिंदू संगठन ने बचाया, आपके यूनी की लड़की है विदर्भ की, पर आप सोचोगे हमारे बच्चे की कैसी हालत कर रहे हैं। बच्चा अपने माँ बाप को खुलकर बोल नहीं रहा है, जनरेशन गैप आ रहा है। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, अपने बच्चों के साथ दोस्ती का व्यवहार रखो। आपका बच्चा कहीं फंस जाता है तो वो आकर आपको खुलकर अपने मन की बात कहे। एक बात बताऊं, बुरा मत मानो, जितने भी लव जिहाद के हमारे पास केस आते हैं, उन सभी केस में जब हम फैमिली हिस्ट्री में जाते हैं तो परिवार में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तभी वो लड़की किसी अब्दुल के चक्कर में फंसती है। या तो परिवार में बच्ची के साथ भेदभाव हो रहा होगा, या परिवार में बच्ची को प्रेम नहीं मिलता माता पिता से, या फिर परिवार में बच्ची पर बहुत सारी पाबंदी और बंदिशें लगाई दी जाती है, या फिर परिवार में बच्ची की कोई सुनने वाला नहीं होता, या फिर पिता जो है वो गलत रास्ते पर है, गलत धंधे करता है, या माता जो है वो उसकी गलत रास्ते पर है, वही उनकी ही बेटियां किसी अब्दुल आफ्ताब के चक्कर में पड़ती है। क्योंकि बच्चों को जब घर में प्यार नहीं मिलता, माताओं ध्यान देना, बच्चों को जब घर में प्यार नहीं मिलता तब वो बच्चा बाहर प्यार ढूंढने जाता है। आपके बच्चों को आपके पैसे नहीं चाहिए, आपका समय चाहिए। बच्चों को प्यार दो, बच्चों को संस्कार दो। आप चाहते हो कि आपकी कोख से छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो, तो मेरी माता आपको जीजा भाई बनना पड़ेगा। तीन प्रश्न अपनी अंतरात्मा से करना। पहला प्रश्न ये कि जो हमारी बेटी, जितनी छूट छाट हिंदू धर्म में है उतनी छूट छाट तो कहीं और है ही नहीं, ये तो आप सब मानते हो। हमारे तो जीन्स टी शर्ट पहनकर भी मंदिरों में जाने की छूट जाते हैं। हमारी बेटी हमारे घर में जीन्स पहनती है, टी शर्ट पहनती है, फ्रॉक पहनती है, मिनी पहनती है, वही हमारी बेटी वहां जाकर बुर्का पहनने का कैसे तैयार हो जाती है, ये पहला प्रश्न करो। दूसरा प्रश्न, जो हमारी बेटी
हमारे घर में पहली रोटी गौ माता को खिलाती है, वही हमारी बेटी उस घर में जाके गौ मांस पकाने का और गौ मांस का भक्षण करने को कैसे तैयार हो जाती है, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा और अंतिम प्रश्न, जो बच्चा हमारा उसको अपने घर में अपने भाई बहनों से थोड़ा कम ज्यादा मिलता है तो शिकायत करती है ना कि मम्मी आपने तो दीदी को 500 रुपए वाली जीन्स लाके दी और मुझे तो 400 रुपए वाली जीन्स लाके दी, आपने तो भैया को 2 पेन दी और मेरे को तो 1 ही पेन दी, आपने उसको 200 रुपए वाली पेन लेके दी और मुझे 100 रुपए वाली पेन। ऐसे ही हर घर में होता है, हर भाई बहन ऐसे ही लड़ते हैं कि उसको ज्यादा दिया मुझे कम दिया, होता है हर घर में होता है। वही हमारी बच्ची उस जिहादी के घर जाकर 3-3 सौतनों के साथ रहने का कैसे तैयार हो जाती है। ये लोग 4-4 निकाह करते हैं, इनमें जायज है 4 शादियां। तो जो हमारी बेटी अपने भाई बहन के साथ अपना हिस्सा नहीं बांट सकती, वो वहां जाके अपने पति को बांटने के लिए कैसे तैयार हो जाती है। तो मेरे भाइयों बहनों, ऐसा है कि ये ब्लैंक स्लेट है, कोई पार्टी है, ये खाली पार्टी है। आप इस पर जय श्री राम नहीं छापेंगे तो वो जिहादी उस पर अल्लाहू अकबर छाप देगा। अपने धर्म का ज्ञान अपने बच्चों को दो, अपनी संस्कार अपनी संस्कृति बच्चों को दिखाओ, मंदिरों में ले जाओ, जीजा माता की कहानियां बताओ, माता अहिल्याबाई की कहानियां बताओ, शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में बताओ। धर्मवीर संभाजी महाराज का तो इतिहास ऐसा रहा है कि 40 दिन तक धर्मवीर संभाजी महाराज ने औरंगजेब की जेल में यातनाएं सहन करी है पर इस्लाम स्वीकार नहीं किया और आज उन्हीं की ही संतान है, हम सब उनकी संतान है। तो आज हमारी बहन बेटियां और हमारे हिंदू भाई क्यों धर्मांतरण कर रहे हैं, उनकी आत्मा भी ऊपर रोती होगी कि ये कैसे लोगों के लिए मैंने बलिदान दिया कि आने वाली पीढ़ियां हिंदू सनातन धर्म से अलग होकर मुसलमान और ईसाई बन गई है। वनवासी विस्तार में हमारे वनवासी भाई बहनों को एक बोरी चावल देकर मिशनरी वाले धर्मांतरण करवा रहे हैं। चिंता करो मेरे भाई बहनों, आपको ऐसा लगेगा मेरी जात का नहीं है तो मेरे को क्या चिंता है, वो ठहरा किसी और जात का, मैं किसी और जात का मिशनरी वाले कर रहे हैं तो करने दो, मैं किसी और जात की लड़की को उठा के लेकर गया, मेरी जात को कोई और है, मेरे को क्या मतलब है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करते करते रह गए हम लोग और वो बजवा हिंद का एजेंडा में सफल हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, हे भारत के हिंदू जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबरा, रक्त बीज का रक्त जातने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला माला जागे कपाली कैलाशी और रन की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, अरे झोली लेकर मांग रही हूँ, झोली लेकर मांग रही हूँ, कोई शीश का दान दे दो, भारत का भैरव पुकारा, कोई प्राण का दान दे दो और मैं घर घर इंकलाब की आग जलाने आई हूँ। हे भारत के हिंदू जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। ऐसा है मेरे भाइयों बहनों, आप ब्राह्मण हैं तो भी आप मुट्ठी भर हैं, आप क्षत्रिय हैं तो भी आप मुट्ठी भर हैं, आप वैश्य और शूद्र हैं तो भी आप मुट्ठी भर हैं, और जो आप हिंदू हैं तो ही आप 100 करोड़ हैं। भगवान कहते हैं अश्वमेव गजमेव व्याघ्रमेवश्च नेवश्च अजापत्रं मलिनघाता देवे दुर्लभघातका। क्या मतलब है कि ना घोड़े की ना हाथी की ना ही बाघ की बलि चढ़ती है। बलि किसकी चढ़ती है? बकरे की। क्यों बकरे की चढ़ती है? क्योंकि वो दुर्बल प्राणी है। भगवान कहते हैं दुर्बल
संतों की रक्षा करने तो मैं भी नहीं आऊंगा। आपको तय करना है कि आपको शेर की तरह, शेरनी की तरह जीवन जीना है या बकरों की तरह तरह कसाईयों के हाथ से कटना है, ये आपको तय करना है। वो लेकर बैठा है झंडा। तो मेरे भाइयों बहनों, आपकी अनुमति हो तो एक प्रश्न पूछूं, पक्का पूछूं, बुरा नहीं मानोगे ना? यहाँ सभा में जितने लोग उपस्थित है उसमें ब्राह्मण कितने हैं जरा बताओ? कम। क्षत्रिय कितने हैं? वैश्य और शूद्र कितने हैं? ठाकुर चौधरी कितने हैं? तो भाई समझ गए, जिन लोगों ने हाथ ऊंचे करे थे, मैं जातिवाद पे इतना भाषण दे रही हूँ कि जातिवाद नहीं रखना है, फिर भी दीदी ने प्रश्न करा और हाथ ऊंचे कर बोल रहे हो मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, क्यों करना है? आपके यहाँ पे चुनाव हो चुका है, बहुत से राज्यों में चुनाव बाकी है, मैं जहां से आती हूँ वहां भी चुनाव बाकी है, हर जगह एक एक जाति के लोग खड़े हो गए हैं, मैं आपकी जाति का हूँ, मुझे वोट दो। वो सनातन धर्म के अंत की बात करते हुए आपकी जाति का नेता बनकर आ रहा है। हम ये भी नहीं सोच रहे कि वो सनातन धर्म के अंत की बात कर रहा है, और उसके साथ उसके गठबंधन के जितने लोग हैं, क्या अंत की बात? मतलब सनातन धर्म का अंत मतलब क्या? आपका अंत, हमारा अंत, हमारे आने वाले बच्चों का अंत, हमारी पीढ़ियों के अंत की बात हो रही है। तो जातिवाद के भेदभाव भूलकर हम सबको मिलकर ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो हमारी सुरक्षा निश्चित करने की गारंटी देती हो। नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि सिर्फ चार ही जातियां होनी चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी ने चार ही जातियां कही है। क्या है वो चार जातियां? वो कहते हैं एक युवा, महिला, गरीब और किसान, ये चार ही जाति होनी चाहिए, इसके सिवाय कोई और जाति नहीं होनी चाहिए। ये हमको करना पड़ेगा, जातिवाद के भेदभाव मिटाना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए तो पहले हिंदू तो बन जाओ। आपके यहाँ हो चुका, मैं अब जाऊंगी यहाँ से गुजरात। दो दिन बाद हमारे गुजरात में मतदान है। अब आपने किसको वोट दिया वो तो हमें पता है नहीं, और हम किसको वोट देंगे वो आज हम आपको बता के जा रहे हैं। सुनना चाहोगे हम वोट किसको देंगे? सुनना है हम वोट किसे देंगे? 7 तारीख को हमारे यहाँ मतदान है, तो मैं वोट उसको दूंगी जिसने मेरे राम लल्ला का दर्शन हमें करवाया है। मैं वोट उसको दूंगी जिसने कश्मीर से धारा 370 हटाया है। मैं वोट उसको दूंगी जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित होते हिंदुओं को शरण दे रहा है, नागरिकता दे रहा है। मैं वोट उसको दूंगी। मैं वोट उसको दूंगी जिसने अहिल्या माता से प्रेरणा लेकर मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। मैं वोट उसको दूंगी। मैं वोट उसको दूंगी जो समान नागरिकों का कानून भारत में लेकर आएगा। मैं वोट उसको दूंगी। मैं वोट उसको दूंगी जो हमारा काशी और मथुरा हमको वापस लौट आएगा। मैं वोट उसको दूंगी जिसने महाकाल लोक उज्जैन में बनाया। मैं वोट उसको दूंगी जिसने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया। मैं वोट उसको दूंगी जिसने द्वारिका अधीन श्री कृष्ण भगवान की नगरी को जिहादियों से मुक्त करवाया। मैं वोट उसको दूंगी। मैं वोट उसको दूंगी जो हिंदू राष्ट्र के स्वप्न को साकार करेगा। मैं वोट हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र के लिए दूंगी। तो समझ गए कि मैं वोट किसको दूंगी। तो भारत में बहुत से राज्यों में चुनाव बाकी है, तो नांदेड़ की इस भूमि से उन समस्त हिंदुओं को दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मतदान करो। मतदान के दिन सब मतदान करने जाओ और हिंदुत्व, हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुओं के लिए
नोट करो। आपको यदि अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता है तो हिंदू राष्ट्र के लिए वोट करना। आपको अपने आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की चिंता है तो हिंदू राष्ट्र के लिए वोट करना। और आपके जितने रिश्तेदार जिनके यहाँ बाकी है अभी चुनाव, कहिए सबको के मतदान करने जाए और हिंदू एक होकर अपनी ताकत दिखाए और हिंदू राष्ट्र के स्वप्न को साकार करने के लिए एक होकर संगठित होकर कार्य करे। अकेली काजल क्या करेगी? आपको क्या लगता है ये भाषणबाजी कर थोड़ी ना परिवर्तन आएगा? बड़े बड़े मंच से हाथ में माइक लेकर बड़ी बड़े भाषण देने वाले तो कितने लोग बैठे, मैं अकेली क्या ही करूंगी? सबको मिलकर करना होगा ना, तभी तो हम हमारे राम राज्य की कल्पना को साकार करेंगे। पर होगा कैसे? घर से बाहर निकलेगा कौन? सबको घर में बैठ के टाइप करके बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पे लिखनी है कि देश में ये नहीं हो रहा, देश में वो नहीं हो रहा, देश में हिंदुओं की ये हालत है, श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है। और उसके लिए कार्य करने के लिए इतने लोग तैयार है। हम डर रहे हैं, अपने अंदर के डर को हटाओ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आपको मिलकर कार्य करना होगा, जमीन पर उठो। इसकी समस्या है तो समाधान भी है, समस्या से भागना समाधान नहीं हो सकता। तो अंत में आपको कुछ रामबाण इलाज देकर जाती हूं समस्या के समाधान का। क्या करना है आपको, समाधान दे रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हिंदू संगठन के साथ जुड़िए। यहां उपस्थित जितने लोग हैं उसमें से कितने लोग हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, हाथ ऊंचे करके बताइए। चालीस प्रतिशत जितने लोग जुड़े हुए हैं, तो बाकी के लोग आह्वान करने के लिए हमारे पास चिट्ठी आई है कि नांदेड़ जिले में आज से बजरंग दल भर्ती अभियान शुरू हो गया है। सभी हिंदू भाई बजरंग दल से जुड़े, माताएं और बहने दुर्गा वाहिनी से जुड़े। क्यों जुड़ना जरूरी है वो भी हम आपको बताते हैं कि जब ये जिहादी हाथ में पत्थर लेकर जज्वाए हिंद नारे तकबीर मुस्तफा के नबी की एक ही सजा सत्तन से जुदा के नारे लगाकर आएगा, तब आपको आपका पैसा बचाने नहीं आएगा, आपको आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, आपके पड़ोसी बचाने नहीं आएंगे, आपको आपके जाति का नेता बचाने नहीं आएगा। यदि आपको कोई बचाने आएगा तो ये हिंदू संगठन के भाई बचाने आएंगे। तो हिंदू संगठन से जुड़िए। नुनू हरियाणा के मेवात की नुनू गांव में क्या हुआ था? पिछले वर्ष शिवजी की शोभा यात्रा निकली, 5,000 माताएं बहने वहां पे जल चढ़ाने जा रही थी शिवजी के मंदिर में। 5,000 माता बहनों पर जिहादियों के झुंड ने हमला किया, गोलियां चलाई है। अब हमारे बजरंग दल के दो बच्चे प्रदीप भाई और अभिषेक भाई, उन्होंने उन 5,000 महिलाओं का जीवन बचाया, उन्हें मंदिर के अंदर शरण देकर सुरक्षित किया। और गोलियां जो है छाती पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बच्चों ने गोलियां खाई और अभिषेक ने वहां पर अपना बलिदान दिया, आपके लिए दिया। क्या लगते थे आप उसके? कुछ भी तो नहीं। प्रदीप ने बलिदान दिया। तो आपको बचाने केवल और केवल हिंदू संगठन आएगा, क्योंकि वो आपको इसलिए मार रहा है क्योंकि आप हिंदू हैं, आप काफिर हैं। और हिंदू संगठन आपको इसलिए बचा रहा है क्योंकि आप हिंदू हैं। अंतर समझिएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा उपाय, अपने बच्चों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दो। मेरी माताओं बहनों, साल में 2-4 साड़ियां कम खरीदना, पर अपने बच्चों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देना शुरू करो, आज से शुरू करो। यहाँ से जाओगी तो बहुत सी हमारी दुर्गा वाहिनी की बहन बेटियां ऐसी हैं जो आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देती है। अगर श्रद्धा ने ट्रेनिंग ली होती आत्मरक्षा की, तो आफ्ताब की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो श्रद्धा के 35 टुकड़े कर देता। उसके 35 टुकड़े करने से पहले हमारी श्रद्धा उसको भक्तर होने के पास पहुंचा देती। ट्रेनिंग नहीं मिली और जिस तरह से इनकी आक्रामकता जिहादियों की बढ़ रही है, तो आत्मरक्षा का अधिकार को
के संविधान ने भी दिया है, आत्मरक्षा का अधिकार तो हमको सुप्रीम कोर्ट भी देती है, तो आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लेना शुरू करो। और तीसरा क्या कर सकते हो, हिंदू बन जाओ, हिंदू से सामान खरीदो, हिंदू को भी रोजगार दो, हिंदू इकोनॉमी तैयार करो। मेरी बहनों, वो 10 रुपए टमाटर सस्ता देता है तो उसके पास नहीं लेने का, महिषासुर राक्षस के पास, हमारे हिंदू भाई के पास लो, 2 रुपया ज्यादा लेगा तो हिंदू के घर ही जा रहा है। और क्या कर सकते हो कि आपके लिए जो हिंदू संगठन लड़ रहा है उस हिंदू संगठन के बच्चों को सपोर्ट करो, वो बड़ा स्वाभिमानी है, आपके पास आएगा नहीं मदद मांगने, पर आपकी वो सुरक्षा कर रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो हिंदू संगठन के बच्चों की सुरक्षा आप करो, उनका ध्यान रखो। कैसे रखोगे, अब स्कूलें खुलेगी, फीस भरनी पड़ेगी, मेरा भाई स्वाभिमानी है वो आएगा नहीं, आपकी बहन बेटी और आप लोगों की रक्षा के लिए वो अपनी बाइक में रोज पेट्रोल चलाता है अपने पैसे का। तो सबसे बड़ा दान है शिक्षा दान, उन सभी हिंदू संगठन के जो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी साल भर की फीस भरो। बोलो भरोगे, जोर से बोलो, मैं तो सुनाई नहीं दे रहा। जो हिंदू संगठन के बच्चे आपकी सुरक्षा करते हैं उनके बच्चों की फीस भरोगे, जोर से बोलो भरोगे, मदद करोगे। और आप क्या कर सकते हो, जातिवाद में ना बटकर संगठित रहो, जन जागरण करो, हर जगह जाके अपने गली से, अपने मोहल्ले से, अपने बिल्डिंग से शुरू करो, अपने परिवार से शुरू करो, इन विषयों पर चर्चा करो। यहां से मुझे सुनने के बाद जब आप अपने घर में जाओगी तो अपने घर जाके 5 अपने रिश्तेदारों को फोन करो, और फोन कर आज जो आपने मुझसे सुना है वो सब उनके साथ चर्चा करोगे। बोलो करोगी, कि सीरियल देखने बैठ जाओगी, हमारी बताओ करोगी, तो घर जाके आपको फोन करना है। और अंत में हमने कहा ना, हिंदू डरता बहुत है, डरपोक बहुत है, उसको जल्दी डर लगता है, तो ये डर कैसे भगाएंगे, तो डर तो केवल भक्ति से ही भागता है। साधना शुरू कर दो अपने जीवन में, प्रत्येक हिंदू योग तो कर रहा है पर साधना शुरू करो, ये साधना आपको अंदर से शक्ति देगी। शिव अघोर मंत्र के जाप करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, कृष्ण भगवान के जाप करो, ये करना शुरू करो, अपने बच्चों को भी करवाओ, इससे घर में शांति भी रहेगी, सुख संपत्ति भी बढ़ेगी और साथ में आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो अंत में कविता की ये पंक्ति आपको समर्पित कर अपनी वाणी को विराम दूंगी, और खत्म होने के बाद कोई यहां से नहीं जाएगा, हम सब सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो थे चले इतिहास लिखने, थे चले इतिहास लिखने, मृत्यु से घबरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो, ये अहिंसा मात्र धर्म है, ये अहिंसा मात्र धर्म है, शत्रुओं का जाल है ये, मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। यदि अहिंसा पूज्य होती, यदि अहिंसा पूज्य होती, श्री कृष्ण क्यों गीता सुनाते और शांति हेतु युद्ध निश्चित, भेद क्यों हमको बताते, कायरों की भांति तुम, कायरों की भांति तुम क्यों युद्ध से कतरा रहे हो, चाहता बलिदान है ना और तुम घर को आ गए हो, सो रहे हैं जो अभी तक दर्द सारे जाग जाए, सो रहे हैं जो अभी तक दर्द सारे जाग जाए, अब तो उद्घोष करे कि सर्प सारे भाग जाए, ये समय संग्राम का है, ये समय संग्राम का है, तुम स्वयं से टकरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो, भेद सारे भूल कर और वर्ण सारे भूल कर, वर्ण सारे भूल कर सोचो कि हम अतिरेक है और भी चलो तब मटिया, बोलो कि हिंदू एक है, बोलो कि हिंदू, बोलो हाथ सबके ऊंचे, बोलो कि हिंदू, बोलो कि हिंदू, बोलो कि हिंदू, श्यामल रामचंद्र की, भरतसुत हनुमान की, ओम नमः पार्वती। तो आप सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ हम सामूहिक करेंगे, और सब अपने जूते चप्पल निकाल लें,
और जब तक आप अपने जूते चप्पल निकाल रहे हो, हम कह रहे हैं कि फिर से अनाउंसमेंट करते हैं, नांदेड़ जिले में आज से ही बजरंग दल भर्ती अभियान शुरू हुआ है। सभी हिंदू भाई बजरंग दल से जुड़े, सभी माताएं बहने दुर्गा वाहिनी से जुड़े, ऐसा हम आपको दोनों हाथ जोड़कर फिर से निवेदन करते हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा यदि आपको सुनिश्चित करनी है तो हिंदू शक्ति को बढ़ाना है, इसलिए हिंदू संगठन से जुड़ना अति आवश्यक है। और हनुमान चालीसा का जो कह रहे टाइम 10 बज गए, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें कोई रोक सकता है क्या? जिसने हिम्मत रोक के दिखाया, अभी 10 क्या हम 10 बजाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करके जाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकरु सुधाय, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चाहि, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिन्हि लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कोटि निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुभेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साध, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर देखो आतुर, प्रभु चरित्र सुनि देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सिंहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर नरस उर राय, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संग पाई, सहस्र बदन तुम रोजस गावे, हस गए श्रीपति कंठ लगावे, संताधिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम को भेद पाल जमाते, कभी को विद कई सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही दीना, राम मिलाए राज पद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर पर सब जग जाना, युग सहस्र जो जन पर धानु, श्रीयो लाहि मधुर फल पानु, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई, जल्दी लाहि गई अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते, राम दुआरे तुम रखवाले, होते नार क्या दिल पर सारे, सब सुख लये तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक आओ को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आपसे कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट के हनुमान चुरावे, क्रम वचन ध्यान को सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारो चित पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्धि जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौमिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रघुपति के आसा,
और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल दीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई जो सत्कार पाठ कर कोई झूठे बंदी मास कोई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साथी गौरीसा तुलसीदास सराहि तेरा जिनके नाथ हृदय मास तेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित विदय बसो सुन भूतियावर राम चंद्र के पवन सुत हनुमान के बोलो सब संतों की काशी विश्वनाथ महादेव की।